तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुट्टी पेंट और प्राइमर के बारे में। पुट्टी पेंट और प्राइमर के क्या रेट्स रहते हैं और क्या इनके लेबर चार्जेस रहते हैं और कितनी क्वांटिटी में लग जाता है एक घर की कंस्ट्रक्शन में, वो पूरी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। एंड में मैंने एक थंब रूल बताया हुआ है, जिस थंब रूल से आप पुट्टी का जो क्वांटिटी है और प्राइमर की और पेंट की क्वांटिटी को आप सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन करके ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी और जो भी रेट्स हैं वो 2023 के रेट्स मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि पुट्टी पेंट और प्राइमर के रेट्स जो हैं वो हर साल दर साल बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। तो जो 2023 के रेट्स हैं वो रेट्स मैं बताने वाला हूँ और लेबर के जो चार्जेस रहेंगे वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइमर, पुट्टी और पेंट का कॉस्ट। कैलकुलेट करने के लिए हमने जो कंसिडर किया है वो रूम साइज़ लिया है 15 फीट बाय 10 फीट का और हाइट है उसकी 10 फीट। इसी रूम पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना पुट्टी पेंट और प्राइमर का कॉस्ट आता है और क्या इनकी क्वांटिटीज़ रहती हैं। सो गाइस, सबसे पहले जितने भी वॉल हैं उनका हमको एरिया कैलकुलेट कर लेना है। जैसे हमने एक वॉल जो ली है वो 10 बाय 10 की, तो उसका 100 स्क्वायर फीट हो गया। दूसरी वॉल हमने पीछे वाली ले ली जिसका एरिया है 15 बाय 10 यानी कि 15 फीट फ्रंट है उसका, तो 15 बाय 10 का 150 स्क्वायर फीट हो गया। तीसरी वॉल हम लेना है वो साइड वाली ले ली हमने, तो 10 बाय 10 उसका भी एरिया है। इसी प्रकार से 100 स्क्वायर फीट इसका हो गया। और सामने वाली वॉल का दोस्तों 15 बाय 10 लिया है जिसमें डोर्स और विंडोज़ भी हैं, तो हमने उसका माइनस कर दिया तो 109 स्क्वायर फीट बचा। और सीलिंग का हमने 15 फीट बाय 10 फीट ले लिया। इन सबको टोटल कर लिया तो हमारे पास 609 स्क्वायर फीट एरिया आ चुका है। अब इस एरिया के हिसाब से हम निकालते हैं। सबसे पहले बात करें पुट्टी की, क्योंकि सबसे पहले पुट्टी कराई जाती है, उसके बाद प्राइमर किया जाता है और उसके बाद दोस्तों पेंट किया जाता है। तो रूम एरिया हमारा 609 है, तो 1 kg जो पुट्टी है वो 15 से 16 स्क्वायर फीट कवर करती है। यानी गाइस, एक रूम जो हमारा आया है उसमें हमें लगभग 38.6 kg पुट्टी लग जाती है। अब दोस्तों बात करें इसके रेट की कि क्या रेट चलता है मार्केट में, तो 1 किलो का प्राइस लगभग 35 से 45 रुपये है अभी के प्राइस में। तो सिंपली हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 38 रुपये से, तो हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा 1642 रुपये। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्राइमर की कि प्राइमर का जो सिंगल कोट होता है उसमें कितना क्वांटिटी लगता है। तो एरिया के हिसाब से बात करें तो 1 लीटर 120 से 140 स्क्वायर फीट कवर करता है। तो हमारे रूम के एरिया के हिसाब से दोस्तों 4.35 लीटर हमको लग जाता है प्राइमर। आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, जो भी एरिया को उसका आप उससे डिवाइड कर दें। दोस्तों प्राइस की बात करें तो 140 से 130 रुपये रहता है और मल्टीप्लाई करके देखें हम अपने लीटर से, तो हमें 609 रुपये का ही प्राइमर लगता है एक रूम के लिए जिसका एरिया है 150 स्क्वायर फीट, क्योंकि 10 बाय 15 का रूम है हमारा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पेंट की। तो पेंट का भी डबल कोट जो होता है, डबल कोट कराना होता है, तो डबल कोट में 1 लीटर जो है वो कवर करता है 80 से 100 स्क्वायर फीट। और रूम के साइज़ की बात करें तो हमारा 609 स्क्वायर फीट है, तो हमारे रूम पर 6.09 लीटर्स लग जाएगा पेंट। बात करें रेट की तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का जो पेंट है वो 175 से 185 के बीच में मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही हमने कैलकुलेट करके देखा तो 1126 रुपये का हमारा पेंट हो जाएगा मटेरियल में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है लेबर चार्जेस की, क्योंकि पेंट, पुट्टी और प्राइमर की जो लेबर रेट होती है वो दोस्तों मटेरियल से थोड़ी ज़्यादा जाती है। मटेरियल थोड़ा सस्ता आ जाता है बट लेबर रेट ज़्यादा होते हैं। पुट्टी की बात करें तो लगभग 4 से 5 रुपये पर स्क्वायर फीट, प्राइमर की बात करें तो 1.5 से 2 रुपये पर स्क्वायर फीट और पेंट की बात करें तो 3 से 4 रुपये स्क्वायर फीट चलता है। कैलकुलेशन के लिए हमने इन सब का एवरेज ले लिया कि एवरेज 10 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है। तो रूम का एरिया है हमारा 609, तो हमने 10 रुपये से इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा लेबर कॉस्ट निकल के आ जाएगा कि एक रूम में हमें कितना पैसा लग जाएगा। तो दोस्तों 6090 रुपये आपको लग जाता है लेबर चार्ज पेंट, पुट्टी और प्राइमर के लिए। अब दोस्तों लेबर चार्ज भी हमने निकाल लिया है और मटेरियल का भी निकाल लिया है, तो इन दोनों को हम टोटल करके देख लेते हैं। मटेरियल की बात करें तो अभी हमने जो पेंट, पुट्टी और प्राइमर निकाला था तो हमने उसकी प्राइस यहाँ लिख ली है और जो हमने लेबर कॉस्ट निकाली थी वो भी हमने लिख ली है। अब गाइस हमको दोनों को ऐड करके देखना है कितना पेमेंट आता है। तो दोस्तों 9465 रुपये निकल के आते हैं। सो गाइस, एक रूम जिसकी साइज़ है 15 फीट बाय 10 फीट, उसमें अंदर से पेंट, पुट्टी और प्राइमर करने में 9465 रुपये का खर्च आ जाता है। ये कैलकुलेशन केवल इनर के लिए था, आउटर इसमें अभी हमने कंसिडर नहीं किया है। दोस्तों आउटर का मैं अभी आपको थंब रूल वाले सेक्शन में पूरा कैलकुलेशन बताता हूँ।
तो आइए गाइस जानते हैं थंब रूल को कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों मैंने इसमें इनर और आउटर दोनों के थंब रूल लिखे हुए हैं, आपको जो इन्क्वायरमेंट हो आप उससे आप कर सकते हैं। जैसे कि इनर के लिए होता है 4.3 और इनर प्लस आउटर के लिए होता है 7.12। अब देखते हैं दोस्तों कैसे इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने 1000 स्क्वायर फीट एरिया कंसीडर किया, 1000 स्क्वायर फीट के घर पे कितना पेंट पुट्टी प्राइमर लगता है वही हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों हमने 7.2 जो हमारा थंब रूल है उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास 7120 स्क्वायर फीट निकल के आ गया है। और जैसे हमने पुट्टी को कैलकुलेट किया था कि कितना स्क्वायर फीट कवर करती है पुट्टी, तो उसी हिसाब से हमने जो कवर करके वैल्यू निकाली है वो 1000 स्क्वायर फीट के लिए 445 केजी आया है, और प्राइमर की बात करें तो 50 लीटर आया है, और पेंट की बात करें तो 71 लीटर निकल के आया है। और लेबर कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों जब बड़ा काम होता है तो लेबर कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 रुपये कंसिडर की है। 8 रुपये से हमें मल्टीप्लाई करके देखना है कि कितना आता है। अब दोस्तों सबसे पहले पुट्टी की बात करें तो 4500 रुपये रेट रहता है, तो 4500 रुपये मैंने यहाँ रेट डाल दिया है, 140 हमारा प्राइमर का और 185 हमारे पेंट का। अब दोस्तों बात करें प्राइस की, चलो 20,025 रुपये लग जाते हैं पुट्टी के, 7,000 रुपये लग जाते हैं प्राइमर के, और पेंट के लग जाते हैं 13,145 रुपये। और लेबर कॉस्ट की बात करें तो 57,000 रुपये आपकी लेबर कॉस्ट लग जाती है। अब दोस्तों इन सब का हम जब टोटल करते हैं तब देखते हैं हमारे पास क्या एक प्राइस निकल के आती है 1000 स्क्वायर फीट के लिए पेंट पुट्टी और प्राइमर के लिए। सबसे पहले मटेरियल की निकालें कि मटेरियल में ही हमारा कितना कॉस्ट लगता है, तो दोस्तों मटेरियल में हमारा 40,170 रुपये लग जाएगा, और लेबर कॉस्ट की बात करें तो 57,000 रुपये लेबर का लग जाएगा। तो दोनों का टोटल करने पर हमारे पास 97,170 रुपये आते हैं, और नियरली आप मान सकते हैं कि 100,000 रुपये तक आपको पड़ जाता है सिंगलेक्स के लिए पेंट पुट्टी और प्राइमर का कॉस्ट। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब आप इस थंब रूल से निकाल सकते हैं कितना पेंट पुट्टी और प्राइमर लग जाता है और उसकी कॉस्ट क्या है, सब चीज़ें मैंने वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ रहे।